अदित्रि तुमको सूप कैसा लगा? उनियो गुब्बर को अच्छा रखो से लगा। आगे के वही और क्या क्या जाओ। सूप खाना चाहते हो तुम? कैरेट सूप खाना चाहते हो कल? ओके बाय बाय, गुड नाइट बोलो। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रियंका लाइफ विद शंकर एंड प्रियंका की तरफ से, और आज हम लेके आए हैं एक बिल्कुल भी नई ब्लॉग। तो आज ब्लॉग है एक किड्स रेसिपी का, जो बहुत ही इजी है और सिंपल है और किड्स भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये है ब्रोकली और कैरेट का सूप, जो मैं आज आदित्य के लिए बनाने जा रही हूँ। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। ब्रोकली और कैरेट को मैंने डाइस कर लिया है, और ब्रोकली का जो स्टेम है उसको मैंने कट कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा देखिए अनियन और एक लहसुन की कली दी है, और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने डाला है। तो अब मुझे जो करना है, मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर दिया है। देखिए ये टेंडर हो चुका है, आप देख पाएंगे ये टेंडर हो गया है। तो अभी इसको मुझे प्यूरी करना है, तो लेट्स ट्रांसफर इन द मिक्सर। इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। तो मैं इसको मिक्सर में अभी एक स्मूथ सा पेस्ट बनाने जा रही हूँ। इसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको चलते चलते दिखाने वाली हूँ। देखिए इसमें एक पेस्ट हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये हो चुका है तकरीबन 80%। इसमें बहुत ही कम लेवल का पानी हम डालेंगे ताकि ये और ज़्यादा स्मूथ हो सके। देखिए ये बहुत ही स्मूथ ग्रीन कलर का एक बचरी सा टेक्सचर इसका आया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही पसंदीदार कलर है ब्रोकली का। तो अभी हम इसको हमारी कढ़ाई में ट्रांसफर करेंगे। ब्रोकली का सूप जो है, मैंने जो प्यूरी था ये मैंने इसमें डाल दिया है, और मैंने तकरीबन हाफ कप इसमें मिल्क डाला है। फुल क्रीम मिल्क था मेरे पास, तो मैंने डाल के इसका जो आँच है धीमी में रखा हुआ है। और इसमें अभी हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर ज़्यादा नहीं, आदित्रि को पसंद है, थोड़ा सा ही डालेंगे। ये बहुत ही इजी एक रेसिपी है किड्स के लिए। विंटर्स टाइम पे ये बहुत ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स है, मिनरल्स है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी और थोड़ा सा शुगर ऐड करूँगी। अगर कैरेट बहुत ही स्वीट है तो यू डोंट हैव टू ऐड शुगर। तो आज आदित्री को देखते हैं ब्रोकली का सूप कैसा लगता है। ये फर्स्ट टाइम वो ट्राई करेगी। तो फिलहाल मेरा सूप तैयार हो रहा है, जस्ट 1 to 2 मिनट्स ये थोड़ा सा बॉईल करेंगे, और इसमें थोड़ा सा बटर डाल के उसको सर्व करने वाले हैं। देखते हैं कैसा लगता है उसको, क्योंकि पहली बार वो खाएगी, पहली बार ब्रोकली ट्राई करेगी। शुरू में ही तो उसने कह दिया कि नहीं, मुझे ब्रोकली नहीं खाना है। तो देखते हैं उसको कैसे पसंद आता है। तो मैंने इसमें जो दूध डाला था वो कंट्री डिलाइट का दूध था। अभी पिछले महीने से हम कंट्री डिलाइट ले रहे हैं। ये एक्चुअली कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं है। कंट्री डिलाइट का दूध बहुत ही अच्छा है, उसका जो मलाई है मैं फ्रिज में जमा रही हूँ, उसको घी बनाएंगे उससे। तो आप लोग क्या करते हैं उससे मुझे बताइएगा। और ब्रोकली का सूप मेरा कैसा लगा ये भी आप बताइए, शेयर लाइक करिए उसको, ताकि आप लोग का किड्स भी इसको खा सके। और आप लोग कैसे बनाते हैं ये रेसिपी भी हमारे साथ शेयर करिएगा। तो फिलहाल ये छोटा सा वीडियो मैं एंड करूँगी, और आपसे अलविदा कहते हैं। कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। तो बाय बाय, और अगले एपिसोड के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल लाइफ विद शंकर और प्रियंका पे सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाय बाय। आदित्रि तुमको सूप कैसा लगा? अच्छा लगा। और क्या क्या सूप खाना चाहते हो तुम? कैरेट सूप खाना चाहते हो कल? ओके बाय बाय, गुड नाइट बोलो। गुड नाइट बोलो। हम लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो को चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय, सी यू।
हम लोगों का चैनल का क्या नाम है? लाइफ विद लाइफ विद शंकरन शंकरन प्रियंका प्रियंका